सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ऐसी ड्राइंग बनाने हूँ जिसमें कि कई सारे फ्रीडम फाइटर होंगे, और यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आएगी इतने सारे फ्रीडम फाइटर को एक ही पेपर में ड्रॉ, क्योंकि मैंने कई सारी फोटो ढूंढी लेंगे कहीं पे भी एक में सभी फ्रीडम फाइटर नहीं, इसलिए मैंने अलग अलग फोटो को लेकर एक ही पेपर में ड्रॉ करने की कोशिश की है। इसमें कलर करने के लिए मैंने डोम्स कलर पेंसिल को चुना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस, जितनी इजी लग रही है ड्राइंग इतनी इजी नहीं है। इसे बनाने में कई सारा टाइम लगा और कई सारे दिन भी लगे, क्योंकि इतने सारे फेस थे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एक फेस में कई सारे शेड लाने पड़ते हैं। और गाइस, कई सारे फ्रीडम फाइटर रह गए होंगे जिनको कि मैंने ड्रॉ नहीं किया था, क्योंकि एक पेज में इतने सारे फ्रीडम फाइटर को ड्रॉ करना मुश्किल था, इसलिए मैंने जितना हो सके उतने ड्रॉ किए हैं। ये शेड जो है इतनी जल्दी ब्लेंड नहीं हो रहे थे। और गाइस, यहाँ पर मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो फोटो थी वैसी ही बनाई है। मैं कलरफुल भी बना सकता, लेकिन जो ओरिजिनल फोटो है वो ओरिजिनल ही होती है। अगर कलर में बनाते तो और ही तरीके से बन जाती है। कई लोग सोच रहे होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कलरफुल फोटो भी तो होती है, लेकिन मैंने कुछ अलग थोड़ा अलग टेक्सचर देने के लिए मैंने इस फोटो को चुना है। और गाइस, कई सारे फ्रीडम फाइटर के फेस के एक्सप्रेशन जो है वो सही नहीं बन पाए, क्योंकि फोटो इतनी छोटी हो गई थी कि फेस जो एक्सप्रेशन जो है वो बनाने बहुत मुश्किल हो गए थे। तो गाइस, फाइनली आर्टवर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा मेरा ये आर्टवर्क कमेंट करके जरूर बताना। मुझे ये भी पता है कि आप में से कई सारे लोग फेस के एक्सप्रेशन जो है वहीं में गलती निकालेंगे।